गूगल पिक्सल 3 लेना है तो जाओ वीडियो को देखो, मैंने सब कुछ बताया है कि आपको उसको आज के टाइम पर 2023 के अंदर कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। जाओ वीडियो को एंजॉय करो, मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शयान और आज जिस वीडियो में मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है गूगल पिक्सल 3। यार इसको आप ओल्ड फ्लैगशिप डिवाइस बोल सकते हो या फिर ओल्ड फ्लैगशिप स्मार्टफोन बोल सकते हो, बिकॉज 2018 में लॉन्च हुआ था, 5 साल तकरीबन हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को, इस डिवाइस को लॉन्च हुए हुए, और 5 साल बाद आप इसको लेना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, वट एवर नॉर्मल यूज़ के लिए, कोई से भी यूज़ के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप गूगल पिक्सल 3 को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, फिर पैसे इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो पसंद है लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन पसंद आता है, जैसे ही ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करूँ, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी वाली फील, पुरानी वाली लुक प्रोवाइड करवाता है ये स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 3। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है इसका बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि आज के टाइम पर हर स्मार्टफोन के अगर अंदर होगा तो वो स्मार्टफोन पुरानी वाली फील प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि लेटेस्ट अगर रिसेंट बात करी जाए, लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आ रहे हैं साइड मोटर फिंगर स्कैनर के साथ आते हैं, फ्रंट पर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आ रहे हैं, तो ये 5 साल चुके पुराना स्मार्टफोन है, तो उस टाइम पर ये लेटेस्ट डिज़ाइन हुआ करता था। आज के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा पुराना स्मार्टफोन हो चुका है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी वाली फील, पुरानी वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है डिज़ाइन के हवाले से। लेकिन एक बात याद रखना, डिज़ाइन पर हमें नहीं जाना है, अंदर के जो माल डाला हुआ है उसके ऊपर जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा माल डाला हुआ है। दो वेरियंट इसमें आते हैं, 64 GB और 128 GB। जो 64 GB की जो प्राइस है आपको नॉन पीटीए तकरीबन मेरे हिसाब से 19,000 के आसपास, 20,000 के आसपास देखने को मिलेगी, और जो 128 GB वाले की प्राइस है वो 22, 23, 24 के आसपास देखने को मिलेगी नॉन पीटीए में। आपको अगर आप पीटीए अप्रूव लेना चाहते हो तो 7 से लेकर 8,000 रुपये इसका टैक्स है तकरीबन, उसमें आप नॉन पीटीए में 7,000 मिला लो तो पीटीए अप्रूव की प्राइस बन जाएगी। दो ही वेरियंट आते हैं, 64 GB, 128 GB, या आप पर डिपेंड करता है आप कौन से वाले वेरियंट की तरफ जा रहे हैं। बात करो ना इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 5.5 इंचेस का एक ओएलईडी पैनल है, सॉरी पीओएलईडी पैनल है, जो कि HDR10 का सपोर्ट भी लेकर आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है यहाँ पर, और एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ, एक पी ओलेड पैनल है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटा डिस्प्ले है, मगर डिस्प्ले छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सीन है। ये जो लाइन है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये स्मार्टफोन के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट साइज़ वाला आईफोन है, सॉरी कॉम्पैक्ट साइज़ वाला स्मार्टफोन है, आईफोन बार बार निकल रहा है क्योंकि मैं आईफोन पर ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, तो कॉम्पैक्ट साइज़ वाला स्मार्टफोन है, बट स्टिल आज के टाइम पर काफ़ी कमाल की वर्किंग कर रहा है इसका डिस्प्ले। पी ओलेड है, कलर्स, शार्पनेस, ओवरऑल जो कंटेंट करने में जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है। बाकी डिस्प्ले वाली साइड से कोई शिकायत नहीं आएगी अगर आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर करते हो आज के डेट पर। एंड्रॉयड 12 पर रन कर रहा है, जब आया था ये एंड्रॉयड 9 के साथ आया था, और लेटेस्ट iOS, सॉरी लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 पर ही रन कर रहा है, iOS नहीं एंड्रॉयड। iOS बार बार से निकल रहा है क्योंकि मैं आईफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ आजकल, तो बार बार आईफोन ही निकल रहा है। बाकी इस परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ, जब गूगल पिक्सल 3 में स्नैपड्रैगन 845 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगाया है, जो पबजी में अगर आप पबजी खेलते हो लगातार तो ये हीटअप ज़्यादा करता है, बट हीटअप करते हैं मुझे ये बात अच्छी लगी कि परफॉर्मेंस में कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई जिटर लैग, कोई हैक, कोई लैग देखने को नहीं मिला। ये नहीं कि गर्म हो रहा हो तो हैक करना शुरू कर दे स्मार्टफोन, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले, नहीं भाई परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ये स्मार्टफोन। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जाना चाह रहे हो, पबजी में बेटर एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो लाजमी से। ओवरऑल स्मार्टफोन की पबजी की बात करूँ तो पबजी में 40 FPS है, जायरो कनेक्टिविटी है, फुल मज़े हैं, हार्डवेयर बेस है, और जायरो कनेक्टिविटी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी कमाल की, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी स्मार्टफोन की ओवरऑल ऑप्टिमाइज जो हुआ परफॉर्मेंस जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की निकल कर आती है ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। 2915 mAh की बैटरी जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है, स्मार्टफोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर बात करूँ ना स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर, तो 2915 mAh जो कि आज के लिहाज से, मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कम है। सोचो यार खुद ही उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती तो आज के लिहाज से कम होगी ना। अभी गूगल पिक्सल जो अपनी डिवाइस बनाते हैं ना, ये एप्पल की तरह बनाते हैं, लाइक बैटरी की जो पावर है, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखता है, बट जो ऑप्टिमाइज़ करता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। अगर आप इस स्मार्टफोन को आज के टाइम पर कंसिडर करते हो तो मेरे लिहाज से ये स्मार्टफोन आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा नॉर्मल यूज़ पर। अगर आप हैवी यूज़ करते हो, पबजी खेलते हो, तो 3 से 4 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप घर में ज़्यादा रहते हो
तो कोई मसले नहीं, चार्ज कर सकते हो। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करते हो कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, तो ये एक दिन आराम से तकरीबन निकाल लेगा। लेकिन अगर आप पबजी के लिए स्पेशली जाना चाह रहे हो, गेमिंग के लिए जाना चाह रहे हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है कैमराज की वजह से आज के टाइम पर और गेमिंग की वजह से। कहने को तो ये 2018 5 साल पुराना स्मार्टफोन है, 2018 में लॉन्च हुआ था, बट स्टिल इसकी जो डिमांड है वो आज के टाइम पर उतनी ही है। बैक कैमरास की बात करूँ तो भाई कैमरा यहाँ पर बैक पर डुअल नहीं है, यहाँ पर सिंगल ही कैमरा सेटअप है। और अच्छी बात यह है कि फ्रंट पर डुअल सेल्फी है। बाज़ औक़ात मैंने स्मार्टफोन में ऐसा देखा कि फ्रंट पर हमेशा ऐसे ही होता है, फ्रंट पर सिंगल सेल्फी होती है और बैक पर डुअल कैमरा होता है। तकरीबन स्मार्टफोन में यहाँ पर उलट सीन है, फ्रंट पर एक डुअल सेल्फी है और बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप है। फ्रंट पर यहाँ पर डुअल सेल्फी है जो कि 8+8 मेगापिक्सल की है, नो डाउट काफ़ी मतलब नॉर्मल सेल्फी है। बट जो बैक पर कैमराज देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर आपको आई थिंक जो कि 12 मेगापिक्सल का है। 4K में आप वीडियो को शूट कर सकते हो, 30 FPS पर, 1080p 60 FPS में। आपको कुछ फोटोज शो कर रहा हूँगा, कुछ वीडियो शो करा रहा हूँगा, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो इस स्मार्टफोन की क्वालिटी का। लाइक अगर आप iPhone X से Google Pixel 3 को कंपेयर करोगे तो तकरीबन तकरीबन टक्कर की यहाँ पर आप इस फोटोज इस स्मार्टफोन के बैक कैमरा से iPhone X आई पर iPhone 8 Plus जितनी जैसी फ़ोटो खींच सकते हो, फोटो कैप्चर कर सकते हो। और ये जो गूगल पिक्सल डिवाइस है ना, गूगल पिक्सल 4a ले लो, 4a 5G ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, या फिर 3 XL इक्विवेलेंट ले लो, ये अपने कैमरास की वजह से आईफोन की टक्कर की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही, काफ़ी ज़्यादा बिक्री हैं। और अगर आप iPhone X को कंपेयर करोगे तो तकरीबन टक्कर की ही फोटोज़ आप पोर्ट्रेट आप इसमें ले सकते हो काफ़ी कमाल के। अब iPhone X को देख लो, PTA ऑफिशियल अप्रूव्ड आपको 75,000 के आसपास देखने को मिलता है। और Google Pixel 3 को ले लो, ये आपको PTA अप्रूव्ड 28-29 हज़ार का देखने को मिलता है। तकरीबन तकरीबन 50,000 का फ़र्क है इन दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन कैमरा क्वालिटी तकरीबन तकरीबन सेम ही है। बाकी कैमराज ये DSLR की तरह काम करते हैं। इस गूगल पिक्सल 3 के ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी, आप व्लॉगिंग भी मतलब इस व्लॉगिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। व्लॉगिंग अगर आप करना चाह रहे हो इस स्मार्टफोन से तो नो डाउट काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, काफ़ी कमाल के कैमराज हैं, ऑप्टिमाइज काफ़ी कमाल के तरीके से हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। बाकी यही मेरा पर्सनल ओपिनियन था, रिव्यू था। आप लोग क्या बोलते हो इस स्मार्टफोन की तरफ? अगर मैं अपनी कंक्लूजन की बात करूँ, ओवरऑल ओपिनियन की बात करूँ, तो आपको इस स्मार्टफोन को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। अगर आप गूगल पिक्सल डिवाइस को कंसिडर करना चाह रहे हो, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, कम बजट है आपका 20 से 25 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार में आपको PTA ऑफिशियल अप्रूव देखने को मिलेगा, या फिर आई थिंक जो कि पीछे PTA पैच अप्रूव देखने को मिलेगा। ये कन्फर्म नहीं, कन्फर्म कर लेना। आई थिंक सो कि ये पैच या फिर दोनों आते हैं, ऑफिशियल अप्रूव भी आते हैं और पैच अप्रूव भी आते हैं। प्राइसेस मैंने आपको कंफर्म कर दी हैं, आप लोग इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहो, कैमरास के लिए कंसिडर करना चाहो, तो इस स्मार्टफोन की तरफ आप लाजमी से जा सकते हो। और लेकिन बैटरी वाली साइड से थोड़ी शिकायतें रहेगी अगर आप इस स्मार्टफोन को आज के टाइम पर परचेज़ करते हो, बैटरी की तरफ से थोड़ी बहुत शिकायतें रहेगी। जैसे मुझे आप लोगों से हमेशा एक शिकायत रहती है, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फटाफट से कर दो। यही मेरा पर्सनल ओपिनियन था, रिव्यू था। आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। और आप इसको 2023 में कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली कैमराज के लिए और गेमिंग के लिए। बाकी बैटरी वाली साइड ये आप लोग देख लेना, और बैटरी चेंज हुई भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बैटरी चेंज हुआ वाला, या फिर आप पर डिपेंड करते हैं, आप जा भी सकते हो। अगर आपको अच्छी हालत में मिल रहा हो, 10 out of 10 कंडीशन, और जो प्राइस होगी ना, वो स्मार्टफोन की जो हालत होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, इस पर डिपेंड करेगी। बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जो कमेंट सेक्शन अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसी जैसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं आपसे लौट रही हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।